हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट टूडे वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज व्यूमेन रिप्रोडक्शन ये हमारा यूनिट फर्स्ट का थर्ड चैप्टर है नो लेट स्टार्ट हुमेन रिप्रोडक्शन देखो हुमन रिपोडक्शन हुमेन में हम सबको पता है हुमेन बींग्स में सेक्सुअल रिपोडक्शन होता है तो रिपोडक्शन के टाइप हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके थे सेक्सुअल और ए सेक्शुअल रिपोडक्शन तो सेक्शुअल रिपोडक्शन ही ह्यूमन बींग्स में होता है यू ऑल नो सेक्शुअल रिपोडक्शन में क्या होता है बायोपेरेंटल होता है ये है ना गेमिट की फॉर्मेशन होती है तो हुमेन बींग्स में क्या होता है सेक्शुअल रिपोडक्शन होता है देखो आगे लिखा हुआ है मैंने सेक्शुअल रिपोडक्शन हुमेन बींग्स में सेक्शुअल रिपोडक्शन होता है ऑल यू नो है ना यूनी और सेक्शुअल डायमारफिजम यूनीसेशुअल मतलब कि अगर मेल है तो उसमें मेल गैमेट, फीमेल है तो फीमेल गैमेट। यूनिसेक्शुअुअुअुअुअल होता है मोस्टली सेक्शुअल डायमॉरफिजम सेक्शुअल डाइमॉरफिजम का मतलब क्या है देखो भाई इस डायमॉर्फिज़म डायमॉरफिज़म मॉर्फिजम मॉर्फोलोजी डिफ्रेंसेज इन कलर सेप साइज़ बिटवीन द मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ द सेम स्पीसिस तो समझ आया डायमॉर्फिज़म क्या होते हैं मतलब एक ही स्पीसीज के हैं मेल और फीमेल उनके कलर में डिफरेंस है साइज में डिफरेंस है सेप में डिफरेंस है इसी को क्या बोलते हैं सेक्शुअल मॉर्फिलिज्म अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसे होता है तो उसकी भाई कुछ स्टेप्स हैं वो स्टेप्स हम देखते हैं देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले क्या होगा देखो जैसे मेरे पास ये है मेल पेरेंट ये है मेरे पास फीमेल पेरेंट्स है ना दोनों में कितनी क्रोमोजोम्स होती हैं फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स होती हैं है ना देखो तो सबसे सबसे पहले पहले क्या होगा हमने फर्स्ट स्टेप का नाम दे दिया गैमेटोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस भी अब दो टाइप्स का होता है एक स्पर्मेटोजेनेसिस एक ओजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पम फॉर्मेशन ओजेनेसिस का मतलब होता है एग फॉर्मेशन ओवा फॉर्मेशन है ना अब देखो मेल जो पेरेंट्स था मेल पेरेंट्स से जो गैमिट की फॉर्मेशन होगी मेल गैमिट उसको हम क्या नाम दे देंगे स्पम का नाम दे देंगे स्पम होता है भाई मेल गैमिट फीमेल गैमिट क्या होता है एग होता है ठीक है अब जब इसमें से क्या बना है गैमिट बना है गैमीट बना, बना है तो फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम रिड्यूस होकर क्या हो गए ट्वेंटी थर्ड है ना तो क्या हुआ इसमें रिडक्शनल डिवीजन हुई है तभी तो क्रोमोजोम नंबर रिड्यूस हो गया है ना होप्सो so, आप सबको समझ आया तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था गैमिटोजेनेसिस तो सबसे पहले मेल पेरेंट्स फीमेल पेरेंट्स में क्या होती है गैमिट की फॉर्मेशन होती है मेल गैमिट क्या होता है स्पम फीमेल गैमिट क्या होता है एग अब गैमिट की फॉर्मेशन तो होगी है गैमिट की फॉर्मेशन होगी तो अब क्या है ये दोनों आपस में मिलेंगे है ना तो सबसे पहले क्या होगा हमें पता है हमारा मेल गैमिट जो है वो मोटाइल होता है है ना मुँह कर सकता है लेकिन फीमेल गैमिट मोटाइल नहीं है तो मेल गैमिट को मुँह करना होगा वो फीमेल गैमिट के पास जाएगा फीमेल जेनाइटल ट्रैक में जाएगा तो जिसको हम बोल देते हैं इनसेमिनेशन सेकेंड स्टेप क्या है हमारा इनसेमिनेशन इनसेमिनेशन में क्या हो गया ट्रांसफर ऑफ मेल गैमिट इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है ना ट्रांसफर हो गया मेल गैमिट का स्पम का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ठीक है भाई ये ट्रांसफर हो गया ट्रांसफर हो गया ये यहाँ पहुंच गया अब क्या होगा दोनों आपस में क्या करेंगे फ्यूज हो दोनों के आपस में फ्यूज होने को हम क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन तो क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा भाई जब दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन फ्यूज होते ही क्या बन गया यहाँ पे जायगोट बन गया है जायगोट बन गया हमारे पास फर्टिलाइजेशन होते ही अब नेक्स्ट स्टेप देखो फर्टिलाइजेशन फ्यूज हो गया फर्टिलाइजेशन के बाद होता है क्लीवेज क्लीवेज का मतलब होता है डिवीजन अब जो हमारा जायगोट बना है उस जायगोट में क्या होगी क्लीवेज होगी मतलब जैसे ये जायगोट था भाई अब ये ऐसे दो में डिवाइड हो जाएगा फिर और में डिवाइड हो जाएगा इस तरह से है ना इस तरह से डिवीजन चलेगी तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्लीवेज क्लीवेज के बाद क्या होती है इम्प्लान इम्प्लान कैसे होगी देखो भाई मेरे पास जायगोट था ये डिवीजन होगी थी क्लीवेज अब ये मेरा जो जायगोट है ये किसके साथ अटैच हो जाएगा कहाँ होता है ये सारा कहाँ फ्यूज हुआ है यूट्रस में फीमेल जेनाइटिव ट्रैक में हुआ था तो जैसे मेरे पास ये यूट्रस है यूट्रस की वॉल होती है एंडोमेट्रियम जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे अब ये जायगोट जो है इस यूट्रस वॉल के साथ यहाँ पे फ्यूज हो जाता है चिपक जाता है जिसको हम बोल देते हैं इम्प्लान नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्लेसेंटेशन प्लेसेंटा मतलब कि अब इसका कनेक्शन मदर के साथ होगा तो हम प्लेसेंटल बोल देंगे फिर है हमारा गेस्टेशन गेस्टेशन पीरियड हमारा वो होता है जिसमें हमारी एंडो एक्टोमीजो ड्रम की फॉर्मेशन होती है है ना ये हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग इसका टाइम पीरियड होता है ये फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट होके हमारी ये मोरूला गैस्ट्रुला जो हमारी इसमें क्लीवेज होएंगी तब देखेंगे हम ये सारी स्टेज यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम पीरियड होता है ये हमारे अंदर क्या होता है टू एटी डेज का होता है लगभग नाइन मंथ होते हैं है ना तो ये होता है हमारा गैस्टेशन पीरियड जिसमें जर्म्स लेयर की फॉर्मेशन होती है नेक्स्ट स्टेप है हमारा ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब ऑर्गन की फॉर्मेशन लास्ट स्टेप पार्चुरेशन जो आप सब जानती हैं मतलब डिलीवरी ऑफ द बेबी ये हमारा बेसिक था मतलब इस चैप्टर में हम स्टेप बाय स्टेप ये सारे स्टेप जो हम डिस्कस करेंगे सीरीज वाइज आगे पीछे तो डिस्कस कर नहीं कर सकते क्योंकि सारा सब कुछ काम सीरीज वाइज होता है तो होप्सो uh, so, आप सबको ये बेसिक चीज़ें समझ आई होंगी तो हुन रिप्रोडक्शन ये हमारा जस्ट इस चैप्टर का इंट्रो था बेसिक था कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे गैमिटोजेनेसिस गैमिट बने डायग्राम में नजर आ रहा है पहले गैमिट बनेंगे फिर क्या होगा मेल गैमिट फीमेल गैमिट के पास जाएगा जिसको हमने इंसेमिनेशन का नाम दे दिया फिर दोनों आपस में फ्यूज होएंगे जिसको फर्टिलाइजेशन बोल दिया जिससे जायगोट की फॉर्मेशन होगी जायगोट बनेगा तो उसमें डिवीजन होएंगी मोरूला गैस्टोला वो हम आगे देखने वाले हैं क्लीवेज का नाम दे दिया डिवीजन को फिर क्लीवेज के बाद क्या होगा इम्प्लांटेशन मतलब जो जायगोट में डिवीजन हुई वो यूट्रस वॉल के साथ अटैच हो जाएगा फिर प्लेसेंटा के साथ भी तो कनेक्शन है फिर गैस्टेशन जर्म्स लेयर की फॉर्मेशन होगी ऑर्गन बनेंगे लास्ट में पार्चुरेशन हो जाती है इतना ही है ना तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन डिटेल होप्सो आप, आप सबको अच्छे से समझ आया होगा टेक केयर बाय मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में